एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू चैनल दिस इज योर ममता। सो यार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग ठीक होंगे एंड लाइफ को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसे प्रोडक्ट का रिव्यू विद डेमो जो कि हम अपने टीनेजर से बहुत ज्यादा यूज करते आ रहे हैं। एंड अगर आप एक न्यू बिगिनर हो तो ये मस्ट हैव फेस पैक है इन योर स्किन केयर रूटीन। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इन वीडियो। लेकिन वीडियो में मूव ऑन करने से पहले, अगर आप चैनल पे नहीं हो देन मेक श्योर करना कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, द रेड बटन बिलो, इट वुड रियली मीन अ लॉट। सो गाइस, आज जिस प्रोडक्ट का मैं आपके साथ रिव्यू करने वाली हूँ वो है एक फेस पैक। आप सब जानते हो कि स्किन केयर रूटीन में फेस पैक कितना ज्यादा अमेजिंग रोल प्ले करता है, क्योंकि ये हमारे स्किन से सारी गंदगी को रिमूव करने में हेल्प करता है, ब्लैक हेड व्हाइट हेड को रिमूव करने में हेल्प करता है, अगर आपकी स्किन पे डेड स्किन सेल्स है तो उसे रिमूव करने में हेल्प करता है, एंड अगर हल्की बहुत टैनिंग है तो उसे भी रिमूव करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है, एंड अगर आपको पिंपल एक्ने जैसी प्रॉब्लम है तो ये उसे बहुत कम करने में हेल्प करता है। कोई भी फेस पैक ऐसा सिर्फ क्लेम करता है कि वो रिमूव कर देगा, रिमूव कोई भी फेस पैक नहीं करता है, बट हाँ, मिनिमाइज डेफिनेटली करता है। तो आज का जो फेस पैक है वो आपके एक्ने को भी बहुत हद तक रिड्यूस करेगा, एट द सेम टाइम आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने में भी हेल्प करेगा। तो गाइस, आज जिस प्रोडक्ट के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है ये है हिमालय का प्योरीफाइंग नीम फेस पैक। एज यू गाइस कैन सी, ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए है, तो ड्राई स्किन वालों के लिए नहीं है, क्योंकि ये स्किन को हल्का सा ड्राई कर देता है जो कि ड्राई स्किन वाले प्रेफर नहीं करेंगे। ये ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है क्योंकि ये ऑयल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, एंड ये एट द सेम टाइम हमारे टीनेजर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं। लाइक लिटरली मेरे को भी जब फेस पैक के बारे में पता चला तो मैंने सबसे पहले इसी फेस पैक को यूज़ किया। तो बात करते हैं, अगर इसकी पैकेजिंग की बात करें तो नॉर्मल से आपको सैचेट टाइप की पैकेजिंग में मिल जाता है विद वाइट एंड ग्रीन कलर, एज यू गाइस कैन सी। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो 10 rupees फॉर द क्वांटिटी ऑफ 8 ग्राम, मतलब आप कह सकते हो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में जाता है। सामने आपको लिखा मिल जाता है हिमालय प्योरीफाइंग नीम फेस पैक नॉर्मल टू ऑयली स्किन, एंड इसके इंग्रेडिएंट दैट हैज नीम एंड टर्मरिक, जो आपकी स्किन को क्लींस करता है डीपली एंड प्रॉब्लम फ्री स्किन देने में हेल्प करता है। अगर पीछे बात करें कि पीछे क्या लिखा हुआ है, तो पीछे लिखा है कि इट इज अ इफेक्टिव ब्लेंड ऑफ नीम एंड टर्मरिक दैट हेल्प रेगुलेट एक्सेस ऑयल सिक्रीशन, क्लींस क्लॉग पोर्स एंड प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ पिंपल्स। नीम नोन फॉर इट्स प्योरीफाइंग एंड एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी हेल्प इन कंट्रोलिंग एक्ने एंड पिंपल, एंड टर्मरिक हेल्प डिलीट और रिड्यूस एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया। इट ऑल्सो हेल्प्स एंड इट हैज सम वॉट, मतलब क्वांटिटी में मुल्तानी मिट्टी भी है इसमें, जो कि कंट्रोल करता है आपकी स्किन को ऑयली स्किन से, एंड एट द सेम टाइम आपकी स्किन को सूथ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर इसके की इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके जो की इंग्रेडिएंट्स है वो नीम, टर्मरिक एंड फुलर सर्थ, यानी कि मुल्तानी मिट्टी। गाइस, ये जो प्रोडक्ट है उसमें हल्का सा पैराबेन है, डेफिनेटली ये पैराबेन फ्री नहीं है बट सल्फेट फ्री फॉर श्योर है, एंड नॉर्मल सी पैकेजिंग में है तो आप ट्रैवल फ्रेंडली इजीली कैरी कर सकते हो। इसका ट्यूब वर्जन भी आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है, आप वो भी ट्राई आउट कर सकते हो। शेल्फ लाइफ की बात करें तो शेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स, मतलब डेट ऑफ मैनुफैक्चरिंग 3 साल तक इस प्रोडक्ट आप आराम से यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब करते हैं हम इसे ओपन, तो ओपन ये नॉर्मली हो जाता है, सीजर की कोई ज़रूरत नहीं है, एंड देन आपको आपको जो फेस पैक है वो मिल जाता है। As you guys can see, वन फेस पैक काफ़ी ज़्यादा इनफ है पूरे फेस के लिए, तो एक फेस पैक काफ़ी है। आप ये देख सकते हो डार्किश ग्रीनिश कलर का फेस पैक है, नॉट ज़्यादा फ्लोई, ईजिली आपके फेस पे लग जाता है विदाउट एनी झिकझिक। तो यू गाइस कैन सी, एंड इट हैज अ फ्रेगनेंस जो कि थोड़ी बहुत इरीटेटिंग लगती है एट टाइम्स, लाइक थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा इरीटेटिंग लगती है एट दैट टाइम्स, एंड स्किन पे भी अच्छा रिजल्ट दे देती है। तो अब करते हैं डेमो। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं डेमो के साथ। सबसे पहले आपको अपने फेस को प्रॉपरली क्लींस कर लेना है, मैंने ऑलरेडी अपने फेस को क्लींस भी कर लिया, एट द सेम स्क्रब भी कर लिया है। जो स्क्रब मैं यूज़ करती हूँ उसका जो रिव्यू है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अप है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप पक्के से जाके चेकआउट करना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसमें सैलिसिलिक एसिड है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एक्ने वाले जो स्किन है उसके लिए, एंड देन अब मैं फेस पैक यूज़ कर रही हूँ। एज़ यू कैन सी, मैंने इसको पूरा अपने इस पर निकाल लेती हूँ हाथ पे। आप इसको बाउल में लेके भी लगा सकते हो या फिर डायरेक्टली भी लगा सकते हो। ये फेस पैक को जब आप लगाओगे तो आपको थोड़ी सी टिंगलिंग इफेक्ट होगी आपके फेस को, आपको इससे थोड़ा सा वो जलन जैसा आपको लगेगा, विच इज फेकिंग नॉर्मल, वो एक टाइम बाद चला जाता है। अगर आपको बहुत एक्सेस में जलन हो रही है तो इसे तभी के तभी रिमूव कर दीजिए, वरना इसमें टिंगलिंग इफेक्ट इज फेकिंग नॉर्मल। ये काफ़ी रेडी टू गो वाला फेस पैक है, तो आपको ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, बस निकालो एंड लगाओ। बाकी DIY फेस पैक तो अच्छा काम करता ही है, बट अदरवाइज ये भी काफ़ी अमेजिंग है।
सो गाइज एज यू कैन सी कि मैंने इसको अपने पूरे फेस पे लगा लिया है। अब आपको इस फेस पैक को अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स तक छोड़ना पड़ता है जब तक कि पूरा ड्राई ना हो जाए। ड्राई करने के बाद उसको आपको हल्के गर्म पानी से वॉश करना है, तो मैं आपको मिलती हूँ ड्राई होने के बाद। सो गाइज जैसा कि आप देख सकते हो ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है, अब इसको आपको हल्के गर्म पानी से वॉश करना है, तो मैं आपको हल्के गर्म पानी से वॉश ऑफ करने के बाद मिलती हूँ। सो गाइज जैसा कि आप देख सकते हो मैं अपने फेस को वॉश करके आ चुकी है, स्किन इंस्टेंटली हल्की सी ग्लो करने लग जाती है, तो आप ट्राई आउट कर सकते हो फॉर श्योर। एंड ये बिगनर फ्रेंडली फॉर श्योर है, इसमें कोई जैसे कि मैंने आपको कहा पैराबेन है, सल्फेट नहीं है, तो आप डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हो। काफी अच्छा है, एट द सेम टाइम अफोर्डेबल भी है। तो अगर आपको इसको बाय करना होगा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप पक्के से जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड हफ्ते में एक दो बार भी इसको यूज किया तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो यार आज की वीडियो बस ये तक थी। वीडियो पसंद आ गई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ, टेक केयर एंड लव यू ऑल।